मॉर्निंग गाइस। तो आज हम निकल गए हैं सुबह सुबह अपना अर्ली मॉर्निंग। हमने जमीन से फूल मांग लिया, उसने हमारे को दे दिया फुल फुल करा दीजिए। तो अभी हम स्कूटी में उठा रहे हैं तेल और उसके बाद हम जा रहे हैं पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि यहाँ से हमारे जगह से 1.5 घंटा की दूरी पर है। तो वहाँ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या। सो गाइस, यहाँ पर एक आ गया फाटक बीच में, तो अभी ट्रेन आने की वेट कर रहे हैं हम। ट्रेन आएगी फिर हम क्रॉस करेंगे, स्कूटी पे ही हैं बैठे। अरे भाई, 1 घंटा और लगेगा हमारे को। पीछे खाली मैदान है बहुत बड़ा। तो गाइज, अब हमारे को अभी भी हम रस्ते में ही हैं, रास्ता कुछ ऐसा है पीछे। और जमील्स फ्रेंड हैज बीन काइंड इनफ टू लेंड अस अ स्कूटी, उसकी खुद की, तो हमने आज ही ले ली थी। और अभी भी आधा घंटा लगेगा हमारे को यहाँ पर जाने में। पवित्रा, हम ये खा रहे हैं बिस्किट्स वगैरह, खाते हैं फिर चलते हैं सफारी वगैरह, देखते हैं क्या सीन है, मिलते हैं आपको। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं जीप सफारी पे। ये है पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। और मैगी भी नहीं मिलती ना, तो कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, भूख लग रही है। और फिर चलते हैं, 1 घंटे बाद होगी सफारी, क्योंकि इनके स्लॉट होते हैं कि या तो आप 12 बजे तक बुक कर लो, अदरवाइज़ फिर आप 12 से 1 इनका होता है लंच, उसके बाद 1 बजे स्टार्ट होगी 1 से 3:30 तक। तो ये करेंगे अब हम। तो गाइस, खाना आ गया अपना, खाना आ चुका है, वेज थाली और फिश नॉन वेज थाली। तो ये खाते हैं, तब तक आधा घंटा भी हो जाएगा और उसके बाद जीप सफारी हो जाएगी स्टार्ट। थैंक यू। क्या ये आलू है? मशरूम। तो गाइस, ये अपनी हो गई टिकट जीप सफारी की, और ये अपनी जीप है जिसमें होगी थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए थी जीप, बट कोई नहीं, रेस्टोरेंट के अंदर जाएगी। मोबाइल पे सरप्राइज, ये हो गई है जीप रेडी। और जीप के अंदर ये देख सकते हैं आप पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से, गार्ड एक और आएगा, गार्ड भी इसमें बैठेगा हमारे साथ, ड्राइवर होगा, गार्ड होगा और हम दोनों होंगे। तो 1.5 घंटे की कुछ सफारी है, 1.5 घंटे की सफारी है। तो देखते हैं अंदर, ज़्यादातर तो राइनोज ही हैं, ओवर पॉपुलेटेड हो गया है ये अपरेंटली जो नेशनल पार्क है, सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और एशियाटिक वाइल्ड बफेलोज भी हैं इसके अंदर, और माइग्रेटरी बर्ड्स का काफ़ी बड़ा एक ये ग्राउंड है अंदर, तो उसमें चलते हैं। आसपास का एरिया ऐसे है। सो गाइस, जीप सफारी हो गई है स्टार्ट, और अंदर कुछ लग रहा है। ये है पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या होता है सेंचुरी? पोपतरा। भैया बताते जाना इसके बारे में कुछ कुछ, हम क्या कुछ है बताते जाना हम साथ साथ। सारा क्लास एरिया
गाइस ये है एशियाटिक वाइल्ड बफलो, ये वाला जो आपको दिख रहा है। चलिए भैया ये है देसी गाइस हरियाणा से। गाइस ये देखो एलिफेंट भी है यहाँ पे और साथ में कुछ गाय वगैरह भी हैं। कितना पास है और ये पीछे से जीप आने शुरू हो गई है। चलिए भैया। हाँ जी हाँ जी, ये यहाँ पे जीप्स आ रही हैं पीछे की और हम फर्स्ट खड़े हो गए। देख तो मजा आएगा, खड़े हो जाए ना भैया। व्हाट्स अप गाइस, देखियो गाइस को हेलो बोल दे। फोन मत खिंचवाना बस। मेरे को वो याद आ गई मूवी काल गाइस सफारी तो अभी चल रही है पर अभी तक हमारे को राइनो दिखा नहीं है। डोरा देखो दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख नहीं रहा। मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। ये बंदों की बंदी हो गई, सेट हो गई है जंगल में आके नशे हो रहे हैं से पेड़ पौधों से। पर मेरे को तो राइनो दिख ही नहीं रहा। Inside the grassland, oh, इतना दूर दूर तक कुछ नहीं है पर इसी के अंदर चांसेस है हमारे को राइनो दिखे तो कहीं दिख जाए तो बढ़िया है। गाइस ये देखो वाइल्ड बोर ये सामने गाइस ये देखो राइनो फाइनली ये पानी के अंदर चिल कर रहा मस्त अपना। ये राइनो एक मस्त स्विमिंग कर रहा है भाई, घूम गया। आ आ आ खुशी रख।
गाइस ये देखो राइनो, फाइनली फुल ब्लोन राइनो सामने दिख रहा है पेड़ के जस्ट पीछे। तगड़ा लग रहा है तो बहुत ज्यादा। चलें फिर गाइस देखा आपने, दिस वाज पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राइनो से इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और भाई राइनो देख के मज़ा आता है, बहुत पास से दिखा जाए मेरे दिखता नहीं लोगों को, बस तो शायद वापस जा रहे हैं बाहर को, अब करते हैं चलते हैं और दो घंटे लगेंगे अभी जाने में। उसके बाद शाम को किनारा की रिसेप्शन। Guys, once again, we're back and Minara is also back. और ये तैयार हो रही है अपने रिसेप्शन के लिए।